तो यार कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन पत्ती और रमी जैसे एप्लीकेशन पर। अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो क्या ये सही है या गलत है, क्या आगे तक आगे आप इस तरह के एप्लीकेशन में खेलकर अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो या फिर आप अपना जो सारा पैसा है वो उससे उस पर लॉस कर देंगे। और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर आप इस तरह के एप्लीकेशन पर गेम खेलकर उस गेम प्ले के वीडियो को यूट्यूब पर पोस्ट करना चाहते हो तो कितना हद तक सही है, क्या इस तरह के वीडियो उसको पोस्ट करके अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हो, क्या अपने चैनल का फ्यूचर है इस तरह के वीडियोस में। तो चलिए आज इस वीडियो में डिटेल में इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन में ऑल सिलेक्ट करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो भाई अगर आप तीन पत्ती और रमी जैसे एप्लीकेशन पर गेम खेलना चाहते हो तो ये तो सरासर गलत होगा, क्योंकि भाई अगर आप इस तरह के एप्लीकेशन में आते हो तो पहले ही ये दिखाया जाता है हर एक वीडियो में, हर एक गेम को डाउनलोड करते ही ये दिखाया जाता है कि इसके इसमें फाइनेंशियल रिस्क है। और भाई रिस्क थोड़ा मोड़ा नहीं है, मतलब इतना लत लग जाते हैं लोग, यहां पर अपना पैसा सारा का सारा डुबा देते हैं, यहां पर से अपने जिंदगी को भी बर्बाद कर लेते हैं, कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं इस तरह की गेम में, अपने सारे जिंदगी की कमाई को लुटाकर। भाई इस तरह के गेम खेलकर आज तक कोई अमीर नहीं बन पाया है, इस तरह के गेम में सिर्फ टाइम और मनी दोनों का बर्बाद ही होगा, यहां से किसी के जिंदगी सवारा नहीं है, हर किसी का जिंदगी बिगाड़ा ही है इस तरह के गेम में अगर आप आएंगे तो। ये तो तय है कि यहां से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, आपकी जिंदगी सिर्फ बर्बाद ही होगा। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आप इस तरह के गेम प्ले पर वीडियो बनाते हो तो यहां से क्या आप मोनेटाइज करा सकते हो अपने चैनल को, और इस तरह के वीडियोस में क्या आप यूट्यूब चैनल को लाइफ लॉन्ग क्या चला सकते हो इस तरह के वीडियोस को। तो भाई मैं शुरुआत में आपको बता दूं कि इस तरह के वीडियो अगर आप अपने चैनल पर पोस्ट करते हो तो मोनेटाइज हो जाएगा भाई, क्योंकि भाई इस तरह के वीडियोस से रिलेटेड कई चैनल मोनेटाइज है ऑलरेडी, और आपका भी चैनल अगर आप इस तरह के वीडियो को बनाते हो तो मोनेटाइज तो हो जाएगा। लेकिन यहां पर गाइस प्रॉब्लम एक आते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइन का, क्योंकि गैम्बलिंग और बेटिंग जैसे एप्लीकेशन के वीडियोस को अगर आप रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर पोस्ट करते हो तो उस तरह के वीडियोस पर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ जाते हैं। भाई इस तरह से कम 100-200 चैनल उड़ चुके हैं यूट्यूब से, और हमारे को भी रिसेंटली एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आया है। तो भाई हर किसी को, हर एक चैनल को इस तरह की वीडियो पोस्ट करने वाले को कम्युनिटी गाइडलाइंस दे दिया जा रहा है, और अचानक से एक दिन कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आपके चैनल पर भी आ जाएगा, और अगर गलती से 2-3 स्ट्राइक एक साथ में आ गया तो आपका चैनल पूरा सस्पेंड। तो इतने मेहनत इस तरह के वीडियोस पर, इस तरह के गेम खेलकर वीडियोस पर करने के बजाय अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर, अगर आप किसी दूसरे नीश पर काम करेंगे तो पक्का सक्सेस मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा भाई। भाई जो भी बंदा शॉर्टकट लेता है ना वो हमेशा डूबता ही है, शॉर्टकट हमेशा अच्छा नहीं होता, 100 में से 1-2% ही ऐसे होते हैं जो इस तरह के शॉर्टकट में टिक जाते हैं, नहीं तो भाई ज्यादातर लोग इस तरह के शॉर्टकट में डूबते ही है। तो अगर आप YouTube पर लाइफ टाइम काम करना चाहते हो, यहां से आप जिंदगी भर अर्निंग करना चाहते हो, जब तक YouTube रहे, जब तक आप रहो, इस तरह के वीडियोस बनाकर आप YouTube पर फेम हासिल करना चाहते हो, यहां पर आप पैसे कमाना चाहते हो, तो आप ये चीज कर सकते हो कि इस तरह के गेम और इस तरह के एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि यहां पर कभी भी आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ सकते हैं। अगर आपके चैनल में 300, 500, 700 कितने भी वीडियोस पड़ा हो आपके चैनल पर, अगर एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ जाते हैं ना तो सारे के सारे वीडियोस को आपको प्राइवेट में करना पड़ेगा। अगर नहीं भी करते हैं तो कभी भी आपके दूसरे किसी तीसरे किसी वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आने का चांस रहेगा, डर रहेगा, और अगर गलती से आ भी जाते हैं तो आपका पूरा चैनल बर्बाद हो जाएगा। तो भाई इस तरह के चैनल पर, इस तरह के वीडियोस पर मेहनत करने के बजाय, अपने जिंदगी को बर्बाद करने के बजाय किसी दूसरे टॉपिक पर आप अगर काम करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो भाई मेरा कहने का बस यही मतलब है इस वीडियो में कि इस तरह के गेम हमेशा खराब ही होते हैं, यहां पर अगर आप अपनी जिंदगी के कीमती समय को यहां पर देते हैं तो आखिर में आपको कुछ हाथ नहीं आने वाला है सिवाय निराशा के। तो भाई बस इस वीडियो में बस इतना ही, आपको यही समझाना था कि इस तरह के गेम में अगर आप आते हो या फिर इस तरह के गेम से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो यूट्यूब पर तो आपके साथ क्या होने वाला है, तो यही बस आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो लास्ट तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।